हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हम लोग वॉच आउट करने वाले अपना थर्ड और लास्ट पार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का। जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करा हुआ था कि हमारा तीन पार्ट आने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज में, तो ये आज की वीडियो रहने वाली हमारी थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो जिसमें कह सकता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न रिलेटेड। हम लोगों ने सारी वीडियो ऑलरेडी कवर आउट कर रखी है कैंडलस्टिक से रिलेटेड। हम लोगों ने वन कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम लोग कह सकते हैं कैंडलस्टिक्स क्या होती है उसके बारे में जानकारी करी, टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखे जो हम लोग मदद कर सकते हैं काफी हद ट्रेडिंग में, और आज हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो मेक श्योर करिएगा आप लोगों ने अब तक चैनल पर सब्सक्राइब वाला बटन जो है प्रेस कर लिया है, और इस वीडियो को गाइस आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आप लोग की ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मदद होगी और आप लोग काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे अपनी ट्रेडिंग को इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। हमारा पहला थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न रहने वाला है मॉर्निंग स्टार, इसका आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न, बहुत लोगों के थ्रू आप लोगों ने सुना होगा, कई जगह लिखा भी दिखा होगा आप लोगों ने जो बुक्स रीड करी होंगी। अगर तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न आज हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या चीज होती है और कैसे फॉर्म होता है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता कैसा है, जिसमें हम लोग क्या नजर आता है, मैं पहले पैटर्न को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या बनता है, फिर हम लोग चार्ट पे एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहली हमारी जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है। यहाँ पे रेड कैंडल की फॉर्मेशन आप लोगों को बताइए, यहाँ पे होती है हमारी रेड कैंडल में ओपनिंग, क्लोजिंग का होती है नीचे की साइड। अगर आप लोगों डिटेल में जानकारी करनी है कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैसे होती है, कैसे फॉर्म होती है, ऊपर साइड क्या होता है, नीचे साइड क्या होता है, ये यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्यों होती है और रेड कलर क्यों होता है, वो सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में कवर आउट कर लिया है अपनी पहली वीडियो में कैंडलस्टिक्स रिलेटेड। लिंक आप लोग मिल जाएगा आई बटन में, वहाँ से आगे आप लोग अभी अभी चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन आप लोग यहाँ पे देखने मिल जाएगा, आप लोग वीडियो पर क्लिक करिए और जाके आप लोग वॉचआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैंडल की ओपनिंग हुई, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई। नेक्स्ट कैंडल आप लोग देखेंगे तो यह हो गई हमारी कौन सी, सेलर सी कैंडल, आप लोगों को पता ही है सेलर सी कैंडल ही हमारी हो गई। नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग दी यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई आप लोग देख सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे कितनी ज्यादा शार्प हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई, मतलब सेलर्स का फोर्स था यहाँ पे काफी ज्यादा, पर सेलर्स का फोर्स ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रहा और कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पे, जिसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, जिसे हम लोग कह सकते हैं बायर्स ने यहाँ पे फोर्स डाला और क्लोजिंग हुई यहाँ पे हमारी, जिसे हम लोग कह सकते हैं डोजी कैंडल और एक छोटी सी कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल ने हमारी फिर से आप लोग देखेंगे यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई थी, नेक्स्ट कैंडल ने अगेन ओपनिंग कहाँ पे दी, मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूँ, ये हो गई हमारी ओपनिंग, ये हो गई हमारी क्लोजिंग, जिससे आप लोग डिटेल में सबको दिखता रहा। ओपनिंग हुई उसके बाद पूरा बायर्स का यहाँ पे फोर्स रहा, आप लोग देख ही सकते हैं बायर्स ने यहाँ पे जो पूरा फोर्स दिखाया था वो फोर्स हम लोगों ने कहाँ तक लेके गया, यहाँ तक। और ये बात याद रखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ज्यादातर क्या होता है, जो रेड कैंडल में जो ओपनिंग होती है उसके ऑलमोस्ट नीचे ही ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है। ऐसी कैंडल भी जरूरी नहीं है कि बन भी सकती है, ऐसी कैंडल हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, तो ये नहीं होगा कि हम उसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं कहेंगे, हाँ कहेंगे जरूर, पर मोस्टली मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है वो इसी ढंग से बनता है, जिसमें हमारी रेड कैंडल के नीचे ही हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। हम लोग कह सकते हैं काफी ज्यादा बुलिश पैटर्न ये हमारा माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, जहाँ पे यहाँ पे हमारे बायर से फोर्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा पहले, आप लोगों मैं दोबारा से बता देता हूँ, ओपनिंग हुई यहाँ पे हमारी रेड कैंडल, क्लोजिंग हुई यहाँ पे सेलर्स का फोर्स था, सेलर्स का फोर्स कंटिन्यू रहा, गैप डाउन ओपनिंग हुई, सेलर्स ने कंटिन्यू फोर्स रखा और उसके बाद ग्रीन कैंडल हमारी क्लोज हुई क्योंकि बायर्स ने उसको कवर आउट करा और क्लोजिंग हो गई हमारी ग्रीन कैंडल स्टिक्स के साथ में। नेक्स्ट कैंडल ने थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग, सॉरी गैप ओपनिंग, गैप ओपनिंग के साथ में एक हमारी बुलिश कैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म आउट हो गया, इससे हमें पता चला यहाँ पे बायर्स का फोर्स आ चुका है। तो ये पैटर्न हमारा बन गया यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसे हम लोग कहते हैं काफी ज्यादा बुलिश पैटर्न माना जाता है। और ये कहाँ पे बनता है आप लोगों को पता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो यहाँ पे बनेगा चार्ट के लो पे बनेगा, फिर यहाँ से हमारा अगेन अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। अभी गाइस आप लोग वेट करेगा, एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में देखेंगे। मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम लोगों ने कवर आउट कर लिया, यहाँ पे हम लोगों का डिटेल में हम सब कुछ देख लिया। अब हम लोग इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, कहाँ पे बनेगा जब चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा होगा, अप ट्रेंड यहाँ पे टॉप पे बनेगा, फिर यहाँ से हमें फॉल देखने के लिए अच्छा खासा मिल सकता है। तो ये पैटर्न हमारा चार्ट के टॉप पे बनेगा, ये हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पे हमारी पहली कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, जिसमें मैं सबको डिटेल में आप लोग बता देता हूँ। ओपनिंग होगी हमारी यहाँ पे, ये हो गई हमारी ओपनिंग, ये हो गई हमारी क्लोजिंग, हमें क्या पता चला बायर्स का फोर्स, बायर्स का फोर्स कंटिन्यू रहा और ओपनिंग आप लोग देखेंगे रेड कैंडल की हुई, इस जगह ओपनिंग हुई गैप ओपनिंग, पर सेलर्स का फोर्स ज्यादा था जो इसको क्लोजिंग यहाँ पे दिलवाई। आप लोग देखें क्लोजिंग हुई हमारी नीचे आ गए, मतलब बायर्स का फोर्स तो पहले रहा पर कैंडल क्लोज होते होते यहाँ पे फोर्स जो आ गया वो आ गया सेलर्स का। नेक्स्ट कैंडल हमारी हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर हमारी क्लोजिंग हुई नीचे की साइड में, जिसे मैं कह सकता हूँ ग्रीन कैंडल से ऊपर, जैसा आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कैंडल से ऊपर हुई। जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हो सकता है क्लोजिंग यहाँ पे भी हमें देखने मिले, पर मेन बुलिश हमारा कहाँ पे माना जाएगा, बहुत ज्यादा बुलिश जिसे हम लोग कह सकते हैं या फिर बियरिश, वो हमारा माना जाएगा जब वो ग्रीन कैंडल के
ऊपर क्लोज होगा तो हमारा काफी ज्यादा स्ट्रक्चर बुलिश या फिर बियरिश माना जाएगा। इस केस में हमारा बियरिश ज्यादा माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग जो है ग्रीन कैंडल से ऊपर हुई है, हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। नीचे भी हो सकती है, यहाँ पे हम लोग क्या बोला चलिए, ये आ गए हमारे सेलर्स दोबारा, यहाँ पे बायर्स ने फोर्स मारा, यहाँ पे थोड़े सेलर्स आए, फिर यहाँ पे एक्सट्रीम सेलर्स आए, हमें पता चल गया चार्ट के टॉप पे बन रहा है, हम लोग जा सकते हैं बहुत ज्यादा आसानी से शॉर्ट साइड के लिए। अभी हम लोग चार्ट पे डिटेल में सबको देखने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ में आ चुका होगा पैटर्न कैसे बनता है, क्या बनता है, कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे हुई, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, गैप डाउन ओपनिंग होगी। ये बात याद रखिए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में, मॉर्निंग स्टार में गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने मिलेगी, इवनिंग स्टार में हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, बात आप लोगों के लिए जरूरी रहने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, जिसमें हमें डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये आ गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एग्जाम्पल, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड आया, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ पे आएगा हमारा डाउन ट्रेंड। मैं इसको कलर डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आया चार्ट में हमारा डाउन ट्रेंड अच्छा खासा, फिर डाउन ट्रेंड जो आया उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारी रेड कैंडल, जैसे हमने डिस्कस करा था रेड कैंडल आई, और रेड कैंडल जो आया आप लोग देखेंगे कि काफी ज्यादा बियरिश रेड कैंडल आई यहाँ पे हमारी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डोजी कैंडल, जैसे यहाँ पे लिखा भी है डोजी मॉर्निंग स्टार, डोजी कैंडल बनेगी। हो सकता है थोड़ी इस टाइप की डोजी बन जाए, हो सकता है कोई एग्जैक्ट इस टाइप की बने, या फिर मैं कहूँ ये जरूरी नहीं है कि कोई भी कैंडल बन सकती है, किसी भी टाइप की कैंडल बन सकती है। हो सकता है ये वाली डोजी बने, हो सकता है ये वाली डोजी बने, हो सकता है एग्जैक्टली वाली बने, डोजी किसी भी टाइप की हो सकती है। और याद रखिएगा, मैं आप लोग बताना भूल गया, इसमें कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाती तो भी हम लोग इसको बुलिश पैटर्न ही मानेंगे, चाहे यहाँ पे ग्रीन भी कैंडल हो जाती है और ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही रहेगा। यहाँ पे बना हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, फिर आप लोग देखेंगे आप लोग आराम से यहाँ पे हाई पे एंट्री कर सकते हैं ग्रीन कैंडल के, या फिर बहुत से बहुत आप लोग रेड कैंडल के हाई पे एसएल रख एंट्री कर सकते हैं। एसएल आप लोग रखना है लो पे, फिर आप लोग देखेंगे चार्ट में कंटिन्यू अप ट्रेंड है और एक अच्छा खासा हम लोगों रिश शॉर्ट के साथ में बढ़िया टारगेट भी अचीव हो सकता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न में। तो आई होप गाइस आप लोग समझ में आ चुका होगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है और कैसे फॉर्म आउट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न के एग्जाम्पल की। इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा आप लोगों को पता है कहाँ पे बनेगा, चार्ट के टॉप पे, मैंने अभी आप लोग बताया चार्ट के टॉप पे बनेगा। टॉप आया यहाँ पे, अप ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या नजर आया, बुलिश कैंडल। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारी रेड कैंडल बनी है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने आप लोगों को जो पैटर्न में दिखाया था, मैं आप लोगों को दोबारा उस पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे दिखाई है रेड कैंडल, येलो रंग कर दूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई रेड कैंडल और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई है ग्रीन कैंडल। कैंडल का कलर मैंने कहा आप लोग जैसा कहा, हो सकता है रेड कैंडल हो सकता है ग्रीन कैंडल हो, कोई से भी कलर फर्क नहीं पड़ता इसमें, कलर से फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क होता है कि गैप डाउन ओपनिंग थे और ये गैप ओपनिंग थे और एक डोजी कैंडल बननी है, ये हमारे लिए मस्ट है इसमें। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कलर से हमारा मैटर नहीं है, जैसे मैंने आप लोग उसका यहाँ पे हमारी बन गई रेड कैंडल, यहाँ पे हमारी रेड कैंडल बनी। उसके बाद आप लोग देखेंगे रेड कैंडल बनने के बाद हमारी बियरिश कैंडल बनी, और फिर आप लोगों को जैसे मैंने बताया था ये था हमारा ग्रीन कैंडल का लो, इसने क्लोजिंग कहा दी इसके ऊपर दी, इसमें पता चला परफेक्ट बॉन्ड इवनिंग स्टार पैटर्न है। आप लोग इसके लो पे एंट्री कर सकते हैं या फिर इसके लो पे एंट्री कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, आप लोगों के रिस्क पे डिपेंडेंट है जहाँ पे आप लोग करना चाहे। ये आप लोगों की मान लीजिए हो गई एंट्री, ये हो गया आप लोगों का एसएल का एरिया, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा एसएल और यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों का एंट्री। और फिर हम लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में एक स्टीप डाउनफॉल हमें देखने को मिला चार्ट के अंदर, जो हम लोगों को एक बढ़िया रिश्योर्ट के साथ में टारगेट दिलवा सकता है। तो आई होप गाइज आप लोग समझ चुके होंगे इवनिंग स्टार पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न डिटेल में, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वॉचआउट करेंगे अपना नेक्स्ट पैटर्न, जो हमारा रहने वाला है थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न और थ्री ब्लैक क्रोस पैटर्न, जिसमें आप लोग सोचते होंगे यहाँ पे व्हाइट क्यों लिखा है, यहाँ पे तो हमारी थ्री व्हाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हमारी थ्री ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, या आप लोगों ने बहुत बार सोचा होगा। पहले मैंने भी इसके बारे में सोचा था जब मैं स्टार्टिंग में आया था, यहाँ पे थ्री ब्लैक लिखा है, यहाँ पे तो हमारी थ्री रेड बनी है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग अगर हिस्ट्री जानते होंगे स्टॉक मार्केट की, तो उसमें पहले जो रेड कैंडल है वो ब्लैक कैंडल बनती थी, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ये यहाँ पे ब्लैक कलर की होती थी और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे व्हाइट कलर की होती थी। ये यहाँ पे बन गई थ्री व्हाइट सोल्जर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बन गई थ्री रेड, जो पहले होती थी थ्री ब्लैक, तो यहाँ पे हो गई थ्री ब्लैक क्रॉस। हमें पता चलता था कि ये वाला पैटर्न बना है, और अब कैंडल स्टिक का कलर चेंज हो चुका है पर पैटर्न का नेम सेम है, इस वजह से आप लोगों को अंतर देखने में मिलता है। हम लोग इसमें भी डिटेल में देख लेते हैं ये पैटर्न कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है। तो इस पैटर्न को भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे पता है बुलिश पैटर्न कहाँ पे बनेगा, हमारा लो पे आके बनेगा बुलिश पैटर्न, फिर यहाँ पे आप लोग हाई भी करेंगे एंट्री, फिर आप लोगों को यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने के लिए आसानी से मिलेगा। तो लो पे आके बनेगा तो यहाँ पे हमारी बनेगी रेड कैंडल, तो हम लोग ये रेड कैंडल चार्ट डाउनफॉल में आया, डाउनफॉल में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा मेन एरिया है ये वाला ये थ्री कैंडल स्टिक हमारे लिए रहने वाली मेन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओपनिंग हुई यहाँ पे, क्लोजिंग हुई यहाँ पे,
उसके बाद मतलब हमें क्या पता चला, यहाँ पे रहे बायर्स, ग्रीन कैंडल है तो मतलब है यहाँ पे बायर्स, ये मतलब बायर्स आ गए यहाँ पे, क्या क्लोजिंग हुआ है। उसके बाद क्लोजिंग आप लोग देख रहे हैं इस जगह पे हुई, और हमारी जो ओपनिंग है वो कहाँ हुई, गैप डाउन ओपनिंग, मतलब सेलर्स ने फोर्स करा इसे नीचे लाने के लिए, पर ये नीचे नहीं गया, ओपनिंग हुई हमारी, मतलब सेलर्स ने फोर्स करा इसे नीचे लाने के लिए, पर हमारी अल्टीमेट बायर्स अगेन आए। यहाँ पे मैं अगेन से बी से इंडिकेट कर देता हूँ, हमारे बायर्स अगेन आए, क्लोजिंग हुई हमारी ऊपर जाके, मतलब गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारी क्लोजिंग हुई अगेन से ऊपर हुई। फिर आप लोग देखेंगे क्लोजिंग यहाँ है पर ओपनिंग कहाँ हो रही है, फिर से हमारी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने मिली, मतलब सेलर्स ने फिर से ट्राई करा नीचे लाने के लिए, पर हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई, फिर से अपसाइड जा गई, जिस समय क्या इंडिकेट हुआ अगेन बायर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखाया और सेलर्स को यहाँ पे हरा दिया। जिस समय पता चल रहा ये बन गया हमारे थ्री व्हाइट सोल्जर, सोल्जर आप लोग पता है लड़ने के लिए जाते हैं और वो हमेशा विक्ट्री करके आते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो अप ट्रेंड है वो थ्री व्हाइट सोल्जर लेके आने वाले हैं। ये जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स बन चुके हैं जो हमारे अप ट्रेंड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, डाउन ट्रेंड जो आ रहा है उसको तोड़ेंगे और यहाँ से अप ट्रेंड हमारा लेके आएंगे थ्री व्हाइट सोल्जर, या फिर हम लोग कह सकते हैं थ्री ग्रीन कैंडल्स। यहाँ पे आप लोगों को क्या इंडिकेट हो रहा है, व्हाइट सोल्जर्स, थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न कैसे बनेगा, जब हमारे यहाँ पे आप लोग देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलेगी, पर यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, फिर अगेन गैप डाउन ओपनिंग, फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हमारी थ्री कैंडल ऐसा होना मस्ट है, ये बात याद रखिएगा। तीन से ज्यादा हूँ और अच्छी बात है, पर हमारा पैटर्न कब कंफर्म होगा, तीन घंटे के बाद, और हम लोग एंट्री आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में देखेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ थ्री ब्लैक क्रॉस के बारे में, जिसमें हम लोग थ्री ब्लैक ये वाली जो थ्री रेड कैंडल है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ओपनिंग कहाँ हुई कैंडल की, ये वही हमारी कैंडल की ओपनिंग, मैं इस साइड लिखता हूँ बल्कि, ये हो गई कैंडल की ओपनिंग, फिर हमारी हो गई यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे आया सेलर्स, सेलर्स ने फिर से यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्लोजिंग यहाँ पे करी थी यहाँ पे, पर बायर्स ने प्रेशर मारा और ओपनिंग कहाँ हुई कैंडल की, यहाँ पे ओपनिंग हुई कैंडल की इस जगह पे, मतलब बायर्स से फोर्स आया यहाँ पे, पर अल्टीमेटली सेलर्स दोबारा आए, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए जिसकी वजह से हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई इस जगह पे। मैं इसको इस साइड लिखता हूँ, कैंडल क्लोजिंग हुई इस जगह पे, फिर आप लोग देखेंगे क्लोजिंग कहाँ है और ओपनिंग कहाँ हो रही है अगेन कैंडल की ऊपर की साइड, मतलब गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिली, अगेन हमारी ओपनिंग हुई अप साइड, और क्लोजिंग कहाँ हुई सेलर्स के फोर्स के साथ, हमारी क्लोजिंग हुई अगेन एक बियरिश रेड कैंडल के साथ में। ये बात याद रखिएगा, इसमें कलर में चेंज नहीं आना चाहिए, वैसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न में ये डोजी कैंडल के कलर में चेंज आ सकता है, पर इसमें कलर में चेंज नहीं आएगा, तीनों रेड कैंडल होगी, पर याद रखिए साइज फर्क नहीं करता, ये जरूरी नहीं है तीनों का साइज सेम हो, ये एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को अभी मैं चार्ट पर समझाऊंगा तो आप लोग डिटेल में देख पाएंगे। साइज जरूरी नहीं है सेम हो सकता है पहली रेड कैंडल इतनी बड़ी हो, दूसरी रेड कैंडल थोड़ी छोटी सी बनी हो, ऐसा फर्क हो सकता है आप लोगों को चार्ट पे देखने में मिल सकता है, या फिर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी हो, दूसरी कैंडल जो है गैप अप तो खोली पर वो जो कैंडल थी वो थोड़ी छोटी बनी, ये स्ट्रक्चर हो सकता है, हो सकता है इसमें विक ज्यादा हो, इसमें विक बिल्कुल ना हो, ऐसा स्ट्रक्चर में अंतर आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मस्ट हमारे लिए क्या है गैप अप ओपनिंग इसमें होनी चाहिए, उसके बाद सेलर्स, इसमें हमारी गैप डाउन ओपनिंग चाहिए, उसके बाद बायर्स का प्रेशर। आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे हमारा जो ये वाला पैटर्न है थ्री व्हाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्रोस जो हमारा पैटर्न है, आप लोग डिटेल में समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं चार्ट पे और समझने वाले हैं ये हमारा पैटर्न कहाँ पे बनता है और कैसे वर्क करता है। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस नहीं करा तो प्लीज़ गाइज फटाफट से प्रेस करिए, और अगर आप लोगों ने बेसिक टू एडवांस सीरीज में वॉचआउट नहीं करा तो फटाफट से आगे वॉचआउट कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सीरीज में बहुत कुछ आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, 10 लाख तक आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी आप लोगों को ऑलरेडी कवर आउट है, आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को आई बटन में दे दूंगा, उस वाली वीडियो को भी आप लोग यहाँ से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। 10 लाख तक आप लोग गाइस कमा सकते हैं एवरी ईयर, ये उस वीडियो में आप लोगों को श्योरिटी मिल चुकी है, फटाफट से गाइस जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और गाइस याद रखिए आने वाले टाइम में और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी आने वाली है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले पैटर्न के एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आया डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हमारे रेड कैंडल के साथ में आ रहा था पीछे से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आने के बाद ये वाला हमारा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कैसी भी रेड कैंडल बन सकते हैं उससे हमारा मतलब नहीं है, मेन हमारा मतलब है इन तीन कैंडल से, जैसा मैंने आप लोगों से प्रीवियसली भी कहा इन तीन कैंडल में आप लोग देखेंगे ओपनिंग हुई उसके साथ में लगभग हमारी क्लोजिंग हुई, ये बात हाँ गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, एक बार हम लोग अगेन उस वाले स्लाइड पे चल के देखते हैं, यहाँ पे आप लोग गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे हमारी गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली, फिर यहाँ पे हमारी ओपनिंग कहाँ हुई गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पे हमारी कहाँ पे हो रही ओपनिंग हो रही हमारी गैप अप, ये फर्क जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा पड़ सकता है चार्ट में, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो याद रखिए मेन जैसे मैं कहूँ बुलिश या फिर बियरिश जो पैटर्न बनते हैं वो मेन यही बनते हैं गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के साथ में,
जैसा एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, पर हाँ हम लोग इसे थ्री वाइट सोल्जर मान सकते हैं। बिल्कुल आप लोग देखिए वहीं पे ओपनिंग हो रही है, एग्जैक्टली जहाँ पे क्लोजिंग हुई है एग्जैक्टली वहीं पे ओपनिंग हो रही है। हम लोग कहने के लिए थ्री वाइट सोल्जर इसे हम लोग मान सकते हैं। इसमें भी आप लोग देखेंगे एग्जैक्टली वहीं पे ओपनिंग हो रही है और तीनों बुलिश कैंडल बनी है, जिससे पता चला है बायर सा फोर्स कंटिन्यू यहाँ पे रह रहा है और यहाँ पे हमारा बन चुका है पैटर्न सक्सेसफुल। यहाँ पे आप लोग आसानी से एंट्री कर सकते हैं। ऐसा आप लोग यहाँ पे पुट आउट करना, आप लोग यहाँ पे रखना चाहे यहाँ पे रखें, इस वाली कैंडल के नीचे रखना चाहे यहाँ पे रखना चाहे, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं, मैं आप लोग सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। यहाँ से आप लोग देखेंगे एक ही कैंडल में बहुत ही बढ़िया वाला शोर हमें देखने के लिए ऑलरेडी मिल चुका है। चार्ट पे आप लोग इसे जाके डिटेल में देखिए, जो भी आप लोगों का ब्रोकर उसके थ्रू आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके आप लोग अपना डीमेट अकाउंट फायर या फिर जीरोधा में जिसमें आप लोग खुलवाना चाहें वहाँ पे खुलवा सकते हैं। बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड, हमारा पैटर्न था थ्री ब्लैक क्रॉस की। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारी गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली है, गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली है, पर यहाँ पे हमारा परफेक्ट पैटर्न ये नहीं है, जिससे मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल नहीं मिले थे। जो मुझे एग्जाम्पल मिले थे मैं वो आप लोग यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आया चार्ट में अप ट्रेंड, अप ट्रेंड आने के बाद तीनों रेड कैंडल मिली है। याद रखिए मोस्टली हमारी गैप अप ओपनिंग के साथ ही होती है, पर यहाँ पे परफेक्ट पैटर्न नहीं बन पाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम जैसा मैंने आप लोग कहा था कि स्ट्रक्चर में कैंडल में अंतर आ सकता है, वो आप लोग देखेंगे कि छोटी सी रेड कैंडल बनी है जिसमें हम लोग विक बिल्कुल भी नहीं देखने मिली है। नेक्स्ट कैंडल में आप लोग विक देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी आई है अपसाइड और डाउन साइड में भी, और तीसरी कैंडल में भी आप लोग विक देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें देखने के लिए मिली है, मतलब पहली कैंडल से बिल्कुल अलग है। तो इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कैंडल स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारी मोस्टली जो अंतर होना चाहिए या फिर मैं कहूँ सेम होना चाहिए वो होना चाहिए गैप ओपनिंग रेड कैंडल में और गैप डाउन ओपनिंग ग्रीन कैंडल में, ये हमारा मस्ट होना जरूरी है। ऐसा भी होता है पर ये थोड़ा कि जैसे हम लोग सकते हैं वीक हमारा ब्लैक क्रॉस पैटर्न ही ये बना है यहाँ पे थ्री ब्लैक, ये हमारा थोड़ा वीक ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना है, ये आप लोग देख सकते हैं। वीक मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हमारी गैप ओपनिंग होने की वजह गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ये हमारे लिए सेलर्स के लिए तो अच्छी बात है पर ये पैटर्न के हिसाब से कम अच्छी बात है, ये आप लोग जान सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए एंट्री आप लोग यहाँ पर करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आ रही है इनसाइड बार, इनसाइड बार के आप लोग लो पे करना चाहे लो पे करें या फिर आप लोग पैटर्न के लो पे करना चाहे पैटर्न के लो पे, हाई का ऐसे रखना चाहे या फिर यहाँ पर जहाँ आप लोग की मर्जी, फिर हम लोग को एक बढ़िया टारगेट अचीव हो सकता है इस पैटर्न के थ्रू। तो आई होप गाइज आप लोग समझ चुके होंगे डिटेल में ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और अगर आप लोग न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो हमारा रहने वाला है थर्ड और लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। वो आप लोग सोचेंगे खाली तीन कैंडलस्टिक पैटर, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देख रहे हैं और उसमें भी खाली तीन ही क्या मैचिंग बिठाई है, पर ऐसा नहीं है, और भी पैटर्न है, दो तीन और मोस्टली पैटर्न बैठ सकते हैं थ्री कैंडलस्टिक में, पर हमारे जो मेन परफॉर्म करते हैं और जो हमारे मेन है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में वो यही तीनों है, और जो है वो बहुत कम और बहुत रेयर बनते हैं और परफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो मैंने सोचा आप लोगों से यही वायर दिखाता हूँ जो मोस्टली चार्ट में बनते रहते हैं, वही हमें मेन पकड़ने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न रहने वाला है वो है हमारा बुलिश अबेंडेंट बेबी और बियरिश अबेंडेंट बेबी। अब ये अबेंडेंट बेबी क्या है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग पहले हम लोग पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे भी जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, ये तो सर गलत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आप लोग दिखा रहा हूँ। इस अंतर क्या है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हमारी सेम कैंडल है जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार में देखी थी, ओपनिंग यहाँ हुई क्लोजिंग यहाँ हुई, यहाँ पे हमारे क्या है सेलर्स आए, सेलर्स ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल बनाई। उसके बाद वहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग तो देखने मिली थी पर वहाँ पे कैंडल कहाँ पे बन रही थी, इस जगह के अराउंड हमारी बनती थी कैंडल, जिससे पता चला था ऑलमोस्ट हमारी गैप डाउन ओपनिंग उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दिया। ये कैंडल आप लोग देखेंगे अबेंडेंट बनी, तब कहीं से कहीं तक कैंडल के आसपास भी नहीं बनी, आप लोग देखेंगे पिक तक इसकी बिल्कुल टच होने के बिल्कुल पास में आ रही है, मतलब ये बिल्कुल अलग से कैंडल बनी है, जो इसने ओपनिंग दी और जो इसने क्लोजिंग दी और जो इसने हाई मारा वो उस कैंडल के आसपास भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दूर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है ये अबेंडेंट कैंडल है और बेबी कैंडल है। बेबी कैंडल क्यों है, बेबी कैंडल मतलब क्या है, छोटी सी कैंडल आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा छोटी सी कैंडल बनी है इस कैंडल के मुकाबले और इस कैंडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटी सी कैंडल है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी कैंडल। इसमें बेबी कैंडल यही किया और अबेंडेंट हमें क्या साइज कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दूर जाके बनती है, दोनों कैंडलों से काफ़ी ज़्यादा दूर बनती है, बिल्कुल अलग से बनती है। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में क्या होता है, बिल्कुल पास में बनती है, तो वो ये हमारा मॉर्निंग स्टार, दूर बनेगी तो वो ये हमारा अबेंडेंट बेबी। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कैंडल हुई गैप डाउन ओपनिंग, सॉरी ये रेड कैंडल है, तो यहाँ पे हुई हमारी गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग कहाँ पे हुई, इस जगह पे हुई हमारी ओपनिंग, यहाँ पे हुई हमारी क्लोजिंग, फिर आप लोग देखेंगे फिर यहाँ से इसने सीधे ओपनिंग दी कहाँ पे, इस जगह पे,
इस जगह पे इसने एग्जैक्टली ओपनिंग दी, जिस समय पता चल रहा है बायर्स का फोर्स यहाँ पे एक्सट्रीम आया है, यहाँ पे सेलर्स का फोर्स काफी ज्यादा बढ़ाया, पर क्लोजिंग यहाँ पे भी बिल्कुल इसी के पास में, जिसे हम लोग कह सकते हैं डोजी कैंडल, नो कन्फर्मेशन कैंडल। और उसके बाद यहाँ पे हमारी ओपनिंग कहाँ पे हुई, इस जगह पे, यहाँ पे मैं आप लोग ले देता हूँ, ओपनिंग हुई हमारी जगह पे, क्लोजिंग हुई जगह पे, यहाँ पे हमें पता चला बायर्स का फोर्स अगेन बहुत ज्यादा आया, और क्लोजिंग आप लोग देखेंगे एग्जैक्टली वैसे ही नीचे की साइड में ऊपर भी हो सकती है, और परफेक्ट हमारा नीचे की साइड ही माना जाता है, तो क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है, उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल बन चुका बुलिश एंडेड बेबी पैटर्न, जिससे हमें पता चल रहा है यहाँ से चार्ट पे कहाँ पे बनेगा आप लोग पता ही है, चार्ट के लो पे बनेगा, और हमें क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ से हमारा अगेन अप ट्रेंड चालू हो सकता है। अभी हम लोग इसका भी एग्जाम्पल वॉचआउट करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग बियरिश एंडेड बेबी पैटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल अपोजिट बनेगा, इसका हमारा अपोजिट हो जाएगा, जैसा आप लोग बताइए यहाँ पे आएंगे हमारे बायर्स, ओपनिंग होगी यहाँ पे, क्लोजिंग होगी यहाँ पे, फिर आप लोग देखेंगे गैप ऑफ ओपनिंग, गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी हमारी ओपनिंग, यहाँ पे होगी हमारी क्लोजिंग क्योंकि ग्रीन कैंडल है, फिर आएंगे हमारे सेलर्स, सेलर्स का फोर्स आया एक्सट्रीम गैप डाउन ओपनिंग के साथ में, फिर ओपनिंग देंगे यहाँ पे, क्लोजिंग देंगे यहाँ पे, कहाँ पे रेड कैंडल से ऊपर हमारी क्लोजिंग होगी, सेलर्स का फोर्स यहाँ पे आएगा। जरूरी नहीं है गाइस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्लोजिंग होए, क्लोजिंग हो सकता है थोड़ा और नीचे जाके होए, पर वो परफेक्ट नहीं होगा, जैसा हम लोगों ने थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न में देखा या फिर थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न में देखा, वो परफेक्ट नहीं होगा, कहने के लिए वो यही पैटर्न हो जाएगा, पर बिल्कुल परफेक्ट हम लोग जैसे पैटर्न कहें, जैसे हम लोग कह सकते हैं बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न क्या होता है कि जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की उससे ऊपर ही यहाँ पे हमारी रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है। तो आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे पैटर्न हमारा कैसे बनता है और कहाँ हमें देखने के लिए बनता है। चार्ट के टॉप पे बनेगा कौन सा वाला, आप लोग बताइए चार्ट के टॉप पे कौन सा वाला बनेगा, हमारा बनेगा बियरिश पैटर्न। चार्ट के लो पे कौन सा बनेगा, हमारा बनेगा बुलिश वाला पैटर्न। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पहले पैटर्न के एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला पैटर्न हमारा कौन सा था, बुलिश एंडेड बेबी बुलिश पैटर्न था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे चार्ट में, मैं कलर चेंज कर दूँ चार्ट में, आया यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आने के बाद हमारी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एमेंडेंट कैंडल बनेगी, इसे हम लोग कहते हैं बेबी कैंडल। एमेंडेंट कहाँ बनेगी, चार्ट से बिल्कुल दूर, सारी कैंडल्स से बिल्कुल दूर, आप लोग देखेंगे रेड कैंडल से कितनी ज़्यादा दूर बनी, ग्रीन कैंडल के फिर भी थोड़ी पास थी पर फिर भी बहुत ज़्यादा दूर बनी है। ये आप लोग कैंडल देख सकते हैं कहाँ बनती है बिल्कुल पास पास में, और ये कैंडल कहाँ बनी है बिल्कुल अलग अलग से एबेंडेंट एरिया में जाके बनी है ये कैंडल। यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल रहा है ये बन चुका हमारा पैटर्न, हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, पर परफेक्ट कब बनेगा, हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी बायर्स के फोर्स के साथ, यहाँ पे आया बायर्स का फोर्स, ओपनिंग हुई फिर क्लोजिंग हुई, और क्लोजिंग कहाँ हुई, इसकी क्लोजिंग के सॉरी इसकी ओपनिंग के नीचे हुई। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश पैटर्न बन चुका है क्योंकि चार्ट के लो पे बन रहा है, इस ओपनिंग के नीचे बन रहा है, रेड ग्रीन कैंडल जो है इस ओपनिंग के नीचे बन रही है, एबेंडेंट कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। हम लोग आसानी से हाई के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर रखना चाहें या फिर इस वाले हाई के ऊपर जहाँ भी रखना चाहें आप लोग एंट्री रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा सेम जैसा हम लोगों मॉर्निंग स्टार में देखा, और ये मिल गया हम लोगों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टारगेट, हम लोग सकते हैं बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों को देख लिया। आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे ये वाले पैटर्न के एग्जाम्पल कैसा रहता है और क्या रहता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न के एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बियरिश पैटर्न। बियरिश में आप लोग कहाँ पे देखेगा, चार्ट के टॉप पे आप लोग देखेंगे बहुत बढ़िया राइज हमें देखने के लिए मिल चुका ऑलरेडी। ये राइज जो हम लोगों को चार्ट के टॉप पे लिया, चार्ट के टॉप पे हम लोगों को एक ग्रीन कैंडल मिली है, फिर टॉप पे बनेगा तो यहाँ पे हमारी पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ पे आप लोग देखेंगे छोटी सी रेड कैंडल एबेंडेंट कैंडल बिल्कुल अलग से बनी हुई है, और एक बहुत छोटी बेबी कैंडल हम लोग कह सकते हैं, ये बन गई हमारी बेबी कैंडल एबेंडेंट कैंडल बिल्कुल चार्ट के टॉप पे बिल्कुल दूर उससे बनी है सारी कैंडलों से। फिर आ गई हमारी रेड कैंडल, और रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आप लोग देखेंगे ग्रीन कैंडल से भी दूर हुई है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बन चुका है क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है रेड कैंडल की वो ओपनिंग ऑफ ग्रीन कैंडल से ऊपर हुई है, हमारे लिए परफेक्ट पैटर्न बन चुका है। हम लोग आसानी से लो पे जाने वाले हैं शॉर्ट साइड के लिए, लो पे आएंगे शॉर्ट साइड के लिए, और फिर हम लोग हाई के ऊपर रखेंगे अपना एसल, और एक बढ़िया रिश वर्ड हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे। ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे इस वाले एरिया पे, हाँ ऑलमोस्ट हमारा 1:3 के आसपास का रिश वर्ड, उससे भी ज़्यादा मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा रिश वर्ड हमें मिल चुका है एक बियरिश पैटर्न के साथ पे, जो हमारा कहाँ पे बनता है चार्ट के टॉप पे। तो आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे सारे पैटर्न कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और हमारे जो तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश वो सॉरी बुलिश एमेंडेंट बेबी और बियरिश एमेंडेंट बेबी, नेक्स्ट थ्री व्हाइट सोल्जर और थ्री ब्लैक क्रॉस, और पहला वाला आ गया हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा चार्ट पे बनता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा डिटेल में, सारी कैंडिडेट्स के एनालिसिस आप लोग डिटेल में समझ में आ चुका होगा। और गाइस अगर समझ में आ चुका हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक बेसिक टू एडवांस सीरीज को नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस सीरीज प्ले लिस्ट में जाके आप लोगों को पूरी सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोगों को बेसिक से एडवांस सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ फिर अब आप लोगों को ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।